is a jolly good fellow. He is a jolly good fellow. He is a jolly good fellow. So say all of us. I told you, kahi gazi aaye, kahi gazi gaye. So, parwah mat karo, don't worry, we are there. And the best part is, he is deaf and dumb. इनको सुनाई नहीं देता है, ये बोल नहीं सकते हैं. उसके बावजूद भी अपनी सिर्फ एक दिमागी ताकत के साथ पूरी बर्फबारी के नीचे सड़क की अलाइनमेंट को ढूंढते हुए लीडिंग डोजर से सोनामर्ग, जुजिला, कारगिल का रास्ता क्लियर करते हैं. सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद. स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल सोल्जर पर. आज हम बात करेंगे अपने एक सेना के जाबाज सिपाही की. सिपाही जब हम बोलें तो ये ज़रूरी नहीं कि उसको क्या होता है. सिपाही वही है जो अपने देश के लिए खड़ा रहे, देश की आन बान शान में अंतिम क्षण तक अपने प्राण नौछावर करने को तैयार रहे, चाहे वो एक आर्मी का अफसर हो या फिर एक आम जनता जो देश प्रेम और जनहित में समाज कल्याण के लिए हमेशा से तत्पर रहती है. तो आज हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लन साहब की. टोनी के नाम से भी सर को जानते हैं. कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, इनका एक काफी बढ़िया डायलॉग था जो हर किसी को बहुत पसंद आया. I told you, कई गाजी आए, कई गाजी गए. So, परवाह मत करो, don't worry, we are there. I told you, कई गाजी आए, कई गाजी गए. So, परवाह मत करो, don't worry, we are there. तो सर रिटायर हो गए हैं. सर्विस से रिटायरमेंट के बाद हमारी शुभकामनाएं ढिल्लन सर आपके साथ हैं. आप हमेशा से ऐसे ही हेल्दी रहें, मुस्कुराते रहें, तंदुरुस्त रहें और ऐसे ही पॉजिटिविटी स्प्रेड आउट करते रहें. आपसे काफ़ी मोटिवेशन मिलता रहा है सर. सर के बारे में बहुत डिटेल में आज बातें जानेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कमलजीत सर के बारे में बातें करें, मैं बता दूं एक बहुत ही एक अच्छे इंसान है, नेक दिल इंसान है. ये एनिमल लवर हैं जिसने मुझे आकर्षित किया इनके बारे में और ज़्यादा जानने का. आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके घर में इनके डॉग्स इनकी फैमिली की तरह रहते हैं, जो कि एक पैशनेट एनिमल लवर बखूबी समझ सकता है. ये इनके तमाम इस टाइप के पोस्ट सिर्फ अपने डॉग के लिए नहीं, जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में चाहे CRPF हो, BSF हो, ITBP हो, जब भी कोई वीर श्वान देश के लिए अपने प्राण नौछावर करता है, अच्छा कार्य करता है, तो उसके जो है बारे में हमेशा से चीज़ें शेयर करते रहते हैं. अभी इनके घर में जो है इन्होंने तोड़ दिया था, तो किस तरीके से पोज ले रहा है उसको भी इन्होंने दिखाया. तो अभी देखिए CDS बिपिन रावत सर के साथ अभी आप चलते दिख रहे हैं. ये बिल्कुल ये यूथ वाला इनका तरीका है बातों को प्रेजेंट करने का. ये बोलते हैं जी ये जूते मेरे बहुत मेरा साथ दिया है, तो दीवार पे टांग के एक फ़ोटो ली. जैसे हम कैजुअली बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं दिल से, तो ऐसे दिल से काम करते हैं. तभी इनके बारे में हमने आज ये वीडियो बनाना चाहा. अब करते हैं इनके करियर के बारे में बात और उनमें क्या खास है, क्यों इनके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ उस पर चर्चा करते हैं. तो शुरुआत करते हैं इनके करियर के बारे में. लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लन साहब PVSM है, परम विशिष्ट सेवा मेडल इनको मिला हुआ है. उत्तम युद्ध सेवा मेडल से इनको नवाजा गया है, युद्ध सेवा मेडल. इसके अलावा विशिष्ट सेवा मेडल भी इनको सर को मिला गया है. सर की जो शुरुआत करते हैं हम NDA से, इन्होंने शुरुआत की थी. ये DG रहे हैं, जानते हो कौन से? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया. ये जो है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल रहे हैं. सर की करियर की शुरुआत की बात करें तो December 1983 से लेकर January 2022 तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं. सेकंड लेफ्टिनेंट पे इन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया था NDA के माध्यम से, और अभी जनवरी में 2022 में ये रिटायर हुए हैं जैसा आपको मैंने बताया. इसके अलावा DDG रहे हैं, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इंटेलिजेंस के, और जो है अंडर CDS ये रहे हैं 9/3/2020 से लेके 31 जनवरी 2022 तक. 39 ईयर्स तक सर ने जो अपनी सर्विसेज देश को दी हैं. राजपूताना राइफल्स से इनका वास्ता रहा है. ये अलमनाए रहे NDA के खड़कवासला के. उसके अलावा IMA, फिर डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो है वेलिंगटन में, आपको याद होगा CDS साहब का हेलीकॉप्टर वहीं पे जाते हुए क्रैश हुआ था. उसके अलावा नेशनल डिफेंस कॉलेज ऑफ दिल्ली से भी सर ने जो है अपनी पढ़ाई की है. सर की सेवाओं की यदि हम बात करें तो राजपूताना राइफल्स में ये रहे. उसके अलावा इन्फेंट्री स्कूल में जो है अपॉइंटमेंट्स इनकी रहीं माओ में. उसके अलावा इंडियन आर्मी का जो ट्रेनिंग टीम बोर्ड है उसके सदस्य रहे काफ़ी लंबे समय तक. J&K में बहुत ही बेहतरीन इन्होंने भूमिका निभाई, वहाँ पे आतंकवादियों को घुटने टिकाए, उनको मिट्टी चटाई, उनको याद दिलाया कि भारत में कदम रखना उनके लिए कितनी बड़ी भूल है. इतना ही नहीं, इन्होंने वहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे भी बहुत अच्छा एक तालमेल बिठाया, उनको ये एहसास दिलाया कि वो भारत के नागरिक हैं और बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से, अब चाहे वो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन हो या फिर काउंटर टेररिज्म हो, ऑपरेशंस हो,
बड़ी सहजता के साथ प्रोफेशनली इन्होंने सब हर चीज़ को बैलेंस रखते हुए वहाँ पे अपनी सर्विसेज दी। जिन्होंने भी इनके साथ काम किया है हर कोई इनकी बहुत प्रशंसा करता है। वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति का चरित्र देखना है तो उसको एनिमल्स के साथ वो कैसे डील करता है उससे पता चल जाएगा। यही कारण था कि मैं सर को काफ़ी लाइक करता हूँ। एनिमल्स से इनका काफ़ी वास्ता रहा है। जो इंसान एनिमल्स को बहुत प्यार करता है अनकंडीशनली, वो इंसानों के लिए हमेशा से तत्पर रहता है अपना 100% देने के लिए। तो अभी हम बात करें यदि इनके बाकी कार्यों की, तो सेक्टर कमांडर रहे हैं RR में, राष्ट्रीय राइफल्स में, उसके अलावा चिनार कॉर्प्स के साथ सर का बड़ा लंबा वास्ता रहा है। तो ये कुछ बातें थी। ऑपरेशन माँ आपने सुना होगा, आपको एक वीडियो मैंने बताया था जिस तरीके से कश्मीर यूथ भटक रहा था आतंकवादियों के साथ मिलकर, उनको सही राह पे लाना, परिवार से मिलाना, ये ऑपरेशन माँ में भी इनकी काफ़ी बड़ी भूमिका रही। कश्मीर यूथ जो है उसको पॉजिटिविटी के साथ जो है मोल्ड किया। तालीम से तरक्की के बारे में भी आपको आपने सुना होगा, जिसमें कि वहाँ के यूथ को एजुकेशन पे फोकस किया जाता ताकि वो बड़े होकर, उस जमाने पत्थर बहुत फेंका करते थे, पत्थरबाजी ना करें, पढ़ाई में फोकस करें, अपना करियर बनाएं, आर्मी की तरफ इंकरेज किया गया। आर्मी गुडविल स्कूल का नाम आपने सुना होगा, उसमें बड़ी लो कॉस्ट पे वहाँ के लोकल बच्चों को एजुकेशन देने का भी काम किया गया था। और रिटायरमेंट की बात करते हैं, अभी रिटायरमेंट जब डे आया तो किस तरीके से इनके दोस्तों ने जश्न मनाया, क्या हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इन्होंने अपनी बाइक पे एक फोटो साझा की, एक इनकी यंग एज की, जब ये लेफ्टिनेंट थे और अभी जब रिटायर हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल से, दोनों के साथ। अब एक बड़ी कमाल की फ़ोटो, ऐसा एक्सक्लूसिवली बहुत कम होता है। ये आप देख पा रहे हैं जो नीचे कुर्सी पे बैठे हैं, ये बैरे लगा के, ये इनके कर्नल रहे थे, इनके फर्स्ट कर्नल रहे थे जो ब्रिगेडियर रहे हैं अभी फ़िलहाल, त्रिगुणेश मुखर्जी साहब। और उनके अभी लेटेस्ट जो फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छा माहौल होता है। साथ में ये दोनों सेकेंड लेफ्टिनेंट थे, वो रिटायर हुए ब्रिगेडियर से और ये लेफ्टिनेंट जनरल से, तो दोनों का एक दोस्ती वाला एक जो किस्सा रहा वो भी इस फोटो के माध्यम से साझा किया, जो काफ़ी मोटिवेटिंग लगा देखिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा आपको। जो देश का मीडिया बॉलीवुड की गाथाएं दिन रात सुनाता रहता है, कौन कहाँ गया, किसने खाया पिया, क्या पहना, उनको शायद फुर्सत नहीं ऐसे गंभीर मुद्दों के बारे में, काफ़ी बड़े मुद्दों के बारे में खबर दिखाने की। लेकिन अपना रॉयल सोल्जर चैनल हमेशा से यूथ के साथ और देश की सेना के जवानों के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ, पुलिस के साथ तत्पर खड़ा रहता है, पॉजिटिविटी के साथ, उनकी खुशियाँ और दुख में एक परिवार की तरह। तो कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ जिनका सपना है भारतीय सेना का अभिन्न अंग बनने का। ख्याल रखिएगा अपना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटी वाला निशान है ना, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि अगली बार जब भी एक बेहतरीन वीडियो आए तो आपके स्क्रीन तक सबसे पहले पहुँच जाए। गुड बाय फॉर नाउ, जय हिंद।